देखने को मिलेगा फ्री फायर के साथ में, या फिर मैं आप लोग को आज के स्पीड में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखना। तो चलो गाइस फिर टाइम वेस्ट ही करते हैं, वीडियो को स्टार्ट। सो वही सबसे पहले तो देखो गेम की फाइल में ऐड हो चुका है एक न्यू वेयर, जिसके अंदर आप लोग वन के स्किन देखने को मिल रही है ये वाले, तो ये आप लोग का फैट विल के अंदर नजर आने वाले। और इसके आइटम से आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि इससे आप लोग का डबल प्लस मिल रहा है, और मूवमेंट स्पीड आप लोग को प्लस देखने को मिल रही है। और जो वन के स्किन है लेजेंडरी गन की स्किन जैसी तो नहीं लग रही, थीम गन की स्किन जैसी है। और यहाँ पे आप लोग का जो रिलोड स्पीड है ये माइनस देखने को मिल रही है, जो गन है अच्छी खासी लग रही है। और ये गन की स्किन आप लोग को इसमें क्या फिर नेक्स्ट में क्या आप लोग को कंफर्म में देखने को मिल सके, जैसे एडिट कंफर्म होंगे तो मैं आप लोग को बता दूंगी। आप लोग को बस इतना कंफर्म है कि इसमें क्या फिर नेक्स्ट में देखने को मिल सकेगी। और इसी थीम में आप लोग को और एक मेन बंडल देखने को मिलेगा, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये फिर इंडस्ट्री में अभी के लिए पेंडिंग में पड़ा है, तो ये आप लोग को जल्दी देखने को मिल सके वेबेंट, या फिर आप लोग किसी भी इवेंट में आप लोग को भी फोटो शेयर से पहले ये जो बंडल है आप लोग को गेम के अंदर नजर आ सकेगा। और इसके थीम में जो फेमेल का बंडल है ये तो पहले ही आप लोग को पता है टॉकअप के इवेंट में आ चुका है, तो ये आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। और इसके थीम में और एक पेंडिंग आइटम है, जो कि आप लोग देख सकते हो G36 की जो गन की स्किन है, ये भी आप लोग को देखने को मिल जाएगी जल्दी। और फिर आज आप लोग को एक न्यू इवेंट देखने को मिला है, जिसके अंदर से आप लोग को बहुत सारे फ्री आइटम मिल रहे हैं, और एक न्यू आइटम ऐड हुआ है जो कि है इन्वेस्टर टोकन वो फिर एक रिंग इवेंट का। तो आप लोग को बहुत ही जल्दी इसका मतलब है जो डीनो बंडल का रिंग इवेंट है, ये आप लोग को बहुत ही जल्दी देखने को मिलने वाले, जिसके अंदर आप लोग को जो फ्री के टोकन मिला है उससे आप लोग इस वाले डीनो बंडल के अंदर मतलब इस वाले रिंग इवेंट के अंदर आप लोग स्पिन कर पाओगे। दो या तीन जितना भी आप लोग के पास है आप लोग सब टोकन से इसमें एक का स्पिन एक टोकन से कर पाओगे। और इस इन्वेस्टर टोकन के रिंग इवेंट के अंदर आप लोग को अच्छा खासा जो डीनो बंडल है न्यू वाला, ये आप लोग को देखने को मिल सकेगा, जो ज़्यादा अच्छा मतलब ज़्यादा लेजेंडरी टाइप का भी नहीं है और सिंपल अच्छा ही लग रहा है बहुत ही, और इसमें इफेक्ट वगैरह भी। और फिर आप लोग का जो पेन की स्किन है ये भी आप लोग इसके साथ में देखने को मिल सकेगी इस वाले रिंग इवेंट के अंदर, जो कि आप लोग देख ही सकते हो पेन की स्किन भी बहुत ही खतरनाक और बहुत ही अच्छी लग रही है। और इसके साथ में आप लोग का जो ट्रोगन की गन की स्किन है आप लोग को देखने को मिल सकेगी, जो कि अभी के टाइम में ट्रोगन जो बने इसको अभी बहुत ही कोई चला रहा है, तो इसका आप लोग को गन की स्किन देखने को मिल सकेगी, वो भी रीनो थीम में आप लोग को स्किन देखने को मिलेगी, जो कि आप लोग देख ही सकते हो, जिसके अंदर आप लोग को एटीवीएस के रूप में रेंज डबल प्लस देखने को मिल रहा है, रिलोड स्पीड प्लस देखने को मिल रहा है, और जो मूवमेंट स्पीड है आप लोग को मैच देखने को मिल रही है अच्छी खासी। तो ये सब रिंग इवेंट है आप लोग को बहुत ही जल्दी नजर आने वाला है 7 जनवरी या फिर आप लोग को 4 जनवरी को, जो ये यूनिवर्सल टिकट का रिंग इवेंट है आप लोग को देखने को मिल सकेगा इंडिया स्टोरी के अंदर। और फिर इसी को ये जो टॉयलेट वाला गेम है इसके साथ में आप लोग को छोटा सा कोलैबोरेशन देखने को मिलने वाला है फ्री फायर के साथ में, जिसका अपडेट आप लोग को कुछ ही है एक या दो वीक में आप लोग को छोटा सा यहाँ पे 4 या 5 MB का जो है अपडेट देखने को मिल सकेगा गेम के अंदर, फिर एड हो जाएगा। सो ये इमोट आप लोग देख रहे हो सो टॉयलेट वाले गेम के थीम में ही बनाया गया, सो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो टॉयलेट भागता है पीछे पीछे, और ये सो क्रिकेटर है ये भी भागता है, क्या ही अजीब इमोट है। तो इस वाले टॉयलेट गेम के थीम में आप लोग को एक इमोट यही देखने को मिलेगा, जो कि आप लोग को OB42 अपडेट का ही इमोट है, मतलब इसी अपडेट में आप लोग को 2 या 3 MB का जो है बहुत ही जल्दी अपडेट देखने को मिल सकेगा, उसके अंदर ये इमोट आप लोग को किसी भी इवेंट या फिर आप लोग को टॉकअप के इवेंट या फिर आप लोग को किसी भी क्या बोलते हैं आप लोग को फेस्टिवल के अंदर देखने को मिल सकेगा, अभी इवेंट कंफर्म नहीं है। तो 2 या 3 MB के अपडेट के बाद में और एक इमोट एड होने वाला है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो पता नहीं कौन से यहाँ पे डांस कर रहा है किसके थीम में, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो पूरा ही नीचे ऊपर फिर ऐसा ही पहले नीचे ऐसे ऐसे कर रहा है फिर ऊपर में ऐसे ऐसे क्या घुमा रहा है, वाओ पैर को भी हिला रहा है हाथ को भी हिला रहा है, यही इमोट है। तो वही आप लोग को ये दोनों ही इमोट आने वाले अपडेट नहीं इसी अपडेट में आप लोग को देखने को मिल सकेगा, अभी आप लोगों को कुछ दिन बाद 1 या 2 दिन बाद आप लोग को छोटा सा अपडेट देखने को मिलेगा मिनी अपडेट 2 या 3 MB का, उसके अंदर आप लोग को ये दोनों इमोट देखने को मिल जाएंगे, बाकी अभी इवेंट कन्फर्म नहीं है जैसे होगी तो मैं आप लोग को बता दूंगी। और फिर से को आपके लिए जो न्यू E4 आ सकता है OB43 के अपडेट में वो हो सकता है आप लोग को E4 स्कॉर्ड जो बहुत टाइम से पेंडिंग में पड़ा है आप लोग को देखने को मिल सके, इसके जो
स्केल एनिमेशन जो है ये इफेक्ट तैयार नहीं हुआ है अभी तक, और जो इसका इमोट है ये भी अभी तक तैयार नहीं हुआ है। तो ये जैसे 8 हो जाएगा और इसके थीम, मतलब ये ना गोश्त थीम है, और इसके थीम में आप लोगों को और भी बहुत सारे रिवॉर्ड्स वगैरह देखने को मिलेगा। तो हो सकता है OB43 अपडेट में ये जो नया आईफोन पूरा ही कम्प्लीट हो जाए, और इसके जो आइटम है ये भी मैं आप लोगों को रिव्यू करके दिखा दूंगी अगर 8 हुआ फाइल के अंदर OB43 के अपडेट में। तो और OB43 के अपडेट में जो सोनिया है, ट्रिनिटी और ओरियन, इसका जो एबिलिटी है ये भी चेंज सोनी वाला है। तो इसके एबिलिटी में कुछ कुछ चेंजेस हो सकते हैं। जैसे आप लोग को 4 सेकंड का टाइम मिलता है, वो आप लोग को 2 सेकंड का टाइम मिले, और सो अभी आप लोग का 6 सेकंड का कूल डाउन टाइम हो गया ट्रिनिटी का, तो शायद आप लोग को और कम हो जाए। और सो अभी 150 नहीं 200 का EP हो गया है, 200 EP चाहिए आप लोग को ओरियन को चालू करने के लिए, तो वो 300 या फिर आप लोग को 250 का EP देखने को मिले ओरियन के अंदर, क्योंकि ओरियन के अंदर अभी मतलब ओरियन को अभी हमें बहुत ही कोई यूज़ कर रहा है, बट इतना कंफर्म है कि आप लोग को आने वाले OB43 के अपडेट में जो ओरियन है, ट्रिनिटी और सोनिया, इसके एबिलिटी में आप लोगों को चेंजेस सीखने को मिलने वाला है। और जैसे इनवर्स सर्वर आएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगी कि आप लोग ऑनवर्स से चेंजेस है कैसे कैसे चेंजेस आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रखना, जल्दी इनवर्स सर्वर आने वाला है तो मैं आप लोगों को क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं क्रिएटर के अंदर जल्दी से बता दूंगी। और फिर देखो आने वाले OB43 के अपडेट के अंदर आप लोग को ड्रैगन थीम में बहुत सारे रिवॉर्ड्स आइटम वगैरह देखने को मिलेंगे, लाइक एनिमेशन आप लोग को ड्रैगन थीम में देखने को मिलेगा, बंडल्स आइटम सारा कुछ आप लोग को देखने को मिलेगा, और ड्रैगन थीम का आप लोग को एक मस्त वाला इवेंट देखने को मिलने वाला है जो कि एडवांस सर्वर आएगा तो मैं आप लोग को दिखा दूंगी कौन कौन से आइटम वगैरह आने वाले हैं। और ड्रैगन थीम में आप लोग कौन से बंडल्स देखने को मिलेगा, कौन कौन से इमोट देखने को मिलेगा, सारा आप लोग को एडवांस सर्वर आएगा तो सारा का रिव्यू आप लोग को मिल जाएगा। और फिर कैसे अगर आप लोग सोच रहे हो OB43 के अपडेट में इस वाले एनिमे के साथ कोलैबोरेशन होने वाला है, या फिर कोई सोच रहा है और किसी के साथ होने वाला है, नटारो के साथ होने वाला है, ड्रैगन बॉल के साथ होने वाला है, पोकेमॉन के साथ होने वाला है, किसी भी एनिमे के बारे में अगर आप लोग सोच रहे हो, तो ये सीखो अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि आप लोग कौन से एनिमे के साथ में 100% कंफर्म ही कोलैबोरेशन देखने को मिल सकेगा OB43 के अपडेट में, क्योंकि आप लोगों को पता है कोलैबोरेशन होगा तो उसके जो एनिमे है उसका आप लोग को थीम में बहुत सारे आइटम वगैरह देखने को मिलेगा। तो अभी एडवांस सर्वर नहीं आया, एडवांस सर्वर आएगा तो जो आइटम है वो फाइल के अंदर 8 होगा, तो इससे पता चल जाएगा कौन से एनिमे के साथ में आप लोगों को कोलैबोरेशन देखने को मिलेगा 100% कंफर्म, मतलब आइटम जो है उस एनिमे के ही थीम में होंगे, तो इससे पता चल जाएगा। तो आप लोग एडवांस सर्वर आने का थोड़ा सा वेट करो, फिर आप लोग को अभी इस वीक के बाद ही पता चल जाएगा कौन से एनिमे के साथ आप लोग को OB43 के अपडेट में जो है कोलैबोरेशन देखने को मिलेगा, और इसी के एनिमे के थीम में आप लोग का जो आइटम फिगर है वो आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। तो फिर आप लोग एक वीक थोड़ा सा वेट कर लो, एडवांस सर्वर आएगा तो मैं आप लोगों को कंफर्म बता दूंगी कौन से एनिमे के साथ में कोलैबोरेशन होने वाला है। और फिर इसे कॉफी के टाइम में बहुत सारे बंदों की जो आईडी है वो बिना रीजन के बैन हो गई, और बहुत सारे बंदों के होने वाले, अगर आप लोग ने गलती किया तो इस बंदे के जैसे आप लोग की आईडी बैन हो सकती है। तो ये बंदे ने क्या गलती किया था आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो, देख सकते हो कि आप लोग को नहीं पता होगा तो बता देती हूँ। इस बंदे ने जो है अपना बायो है इसके अंदर यहाँ पे रेड कलर में लिखा है, मतलब FF00 ये वो लगा के, मतलब ऐसे आप लोग समझ सकते हो कि उल्टा फुल्टा करके सो यहाँ पे बायो का जो कलर है वाइट ही होता है लिखते हो जो भी आप लोग बायो में। तो कुछ दिन पहले आप लोग यहाँ पे नोटिस मिला था करीना वालों की तरफ से, जो हेक लिखेगा, आईडी सेलर लिखेगा, पैट पुस लिखेगा, ट्रस्टेड पैट पुस लिखेगा, तो इसकी जो आईडी है बैन होने वाली है। बट करीना वाले यहाँ पे जिसने यहाँ पे छेड़छाड़ किया है बायो में, जो ग्रीन कलर से लिख रहा है, जो रेड कलर से लिख रहा है, तो ये सारे जो इस बायो में आप लोग छेड़छाड़ कर रहे हो इससे आप लोग की आईडी बैन हो सकती है। और अगर आप लोग ने नहीं लिखा तो आप लोग के फ्रेंड ने लिखा है तो वैसे उसका भी आईडी बैन हो जाएगा, तो ये वीडियो शेयर कर दो उसको ताकि वो चेंज कर ले, और आप लोग ने लिखा है तो जल्दी से हटा दो अगर आप लोग का आईडी अभी तक बैन नहीं हुआ है, तो आप लोग का आईडी बैन हो सकता है। इसलिए कोई भी रिक्स मतलब अभी भी समय ही आईडी बैन नहीं हुआ है तो चेंज कर, फिर अगर आईडी बैन हो गया तो फिर आप लोग वापस नहीं ला सकते, इसलिए चेंज कर लो अगर लिखा है तो, और जो आपके फ्रेंड लिखा है उसको भी बोल दो चेंज कर ले वो भी। और बाकी देखो वैसे आप लोग को फ्री का इवेंट के नाम में आप लोग को एक ही लिख आ रही है, सो है फिशिंग वेल इवेंट, जो आप लोग को 2 साल पहले देखने को मिलता था न्यू ईयर के टाइम में, तो इसका ही लीक फिगर आ रहा है कि यही फ्री का इवेंट जो है आप लोगों को इस न्यू ईयर में देखने को मिल सकता है, बाकी ये भी कंफर्म नहीं है। और कुछ फ्री का इवेंट कंफर्म होगा तो मैं आप लोगों को जरूर से दिखा दूंगी, बाकी अभी के लिए विशिंग विल इवेंट ही कंफर्म है कि आप लोग को 1 जनवरी को देखने को मिल सकता है न्यू ईयर स्पेशल। तो बाकी आई होप कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक जरूर से कर देना, और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑन कर लेना। चलो गाइस।